हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी इतनी टेस्टी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम आलू से इतनी डिलीशियस स्वीट बना पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने बॉयल्ड आलू ले लिया है, दो या तीन आपको ले लेना है। और इसमें हम सेमोलिना डालेंगे फ्रेंड, यानी कि रवा 1/4 कप, और थोड़ी सी दूध डालेंगे फ्रेंड, घर का रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। और अब इसमें हम इलायची डालेंगे, दो या तीन डाल दें। थोड़े से ड्राई फ्रूट आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड। अब इसका एक स्मूद हम बैटर तैयार कर लेंगे। मैं इसको आलू को इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि गांठ नहीं रहने चाहिए आलू में, नहीं तो इसे पीसना ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैंने सेंधा नमक डाल दिया है एक चुटकी, कि मीठा अच्छे से इन्हेंस हो जाए, एकदम से मीठा ना लगे फ्रेंड। अभी मैं इसमें और भी चीज़ डालूँगी, तो आप वीडियो को एकदम स्किप ना करें फ्रेंड। वीडियो को देखेंगे पूरा तभी आप अच्छा से बना पाओगे, अगर स्किप कर दोगे तो आप इस तरह से नहीं बना पाओगे फ्रेंड। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है, मैं यहाँ मैदा बहुत ही कम इस्तेमाल करूँगी। और भी मालपुए में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मैदा से ही बनते हैं, लेकिन ये मेरा मालपुआ इतना टेस्टी बनेगा बिना मैदा का, यानी कि बहुत ही कम मैदा मैं इस्तेमाल करूँगी, सिर्फ बाइंडिंग के लिए मैं कर रही हूँ। तो यहाँ 1 चम्मच और मैंने डाला है, थोड़ा सा और गाढ़ा मुझे चाहिए था। ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड कि यहाँ बहुत आवाज़ आती रहती है, मोहल्ले में रहती हूँ किराए के मकान में, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया, और देखिए फ्रेंड 1 कटोरी दूध में मेरा उतना सा दूध बच गया है। कुल मुझे कितना लगा दूध बैटर बनाने में। तो यहाँ मैं चाशनी बना के तैयार कर ले रही हूँ। तो चाशनी के लिए 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालेंगे फ्रेंड। और यहाँ मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर डालने से और भी ये मावा वाला टेक्सचर देगी, जो इतनी टेस्टी लगेगी फ्रेंड कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। मैं अपने घर में हर एक चीज़ बना बना कर ट्राई करती रहती हूँ, मुझे अलग अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है, और मैं इन्वेंशन करते रहती हूँ कुछ ना कुछ। जब मैंने ये इन्वेंशन किया इस रेसिपी का, तो इतना टेस्टी उभर के आया कि मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम मीडियम ही रखेंगे, और भी आपने पुआ को देखा होगा बनते हुए, यानी मालपुआ को, क्योंकि हाई फ्लेम में किया जाता है, लेकिन ये मालपुआ आलू से बन रहा है इसलिए हमें मीडियम फ्लेम में इसे करना होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मतलब फैल जाएगी अगर नहीं आप एकदम से इसे हाई टेम्परेचर मिलने पर। ये आलू है इसमें इसलिए फैल सकती है, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम में ही इसे फ्राई करेंगे फ्रेंड। और अब हम पलट लेंगे, पलटना भी बहुत हल्के हाथों से है। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा करछी लगने की वजह से ये थोड़ा सा टूट गया मेरे से। इसे बहुत ही हल्के हाथों से बनाना पड़ता है फ्रेंड, लेकिन खाने में इतनी टेस्टी लगेगी कोई बता ही नहीं सकता कि ये आलू से बनके तैयार हुए हैं। तो अब मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है फ्लेम को, और इसे हमें कलर दे देंगे मालपुए का। तो इसी तरह से करके मैंने यहाँ पर सारे बना लिए हैं, और हम गरम गरम में ही चाशनी में डिप करेंगे 1-2 मिनट के लिए। उतनी देर में ही अच्छे से ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी फ्रेंड, और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम गूई टेक्सचर देगी हमें। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतनी टेस्टी
स्वीट बनेगी आलू से। तो ये देखिए फ्रेंड बन के तैयार है हमारी रेसिपी मालपुए की। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया, आपके पास हो डाले नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड कितनी ये सॉफ्ट है। तो कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा जरूर। थैंक यू।